श्रीकृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीनिजानन्दस्वामी की श्रीप्राणनाथ प्यारे की जिन का मेबू श्री कृष्ण का ब्रह्मात्माओं और दुनिया को ही अपना सर्वस्व समझने वाले जीव दोनों की तुलना चल रही है <radas> ब्रह्मात्माओं के हृदय तो परमधाम है यह बात पहले के चौपाई में आई अब एक दूसरी चौपाई में कहते हैं दुनिया दिल मजाजी कया। दुनिया का दिल है वो तो झूठा कहा है मोमिन हकीकी दिल मोमिनों का दिल है ब्रह्मात्माओं का दिल है वो सच्चा है बिना तरफ दुनिया क्यों पावही जो अरस में रहे हिल मिला बिना तरफ का तात्पर्य दिशा बिना दिशा प्राप्त किए बिना दिशा विहीन व्यक्ति परम धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो दुनिया के लोग हैं वो दिशा विहीन है इसलिए परमात्मा के दिशा प्राप्त किए बिना दुनिया परमात्मा को कैसे पा सकती है जो अरस्य में रहे हिल और जो ब्रह्मात्माएं हैं तो वो कैसी है तो परम धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में हिलमिल करके रह रही है तो ये फर्क है वेद कते व पड़ पड़ गए कि न पाई न हक तरफ वेद कते पढ़ने वाले बहुत लोग हुए हैं किंतु परमात्मा को पाने वाले लोग बहुत कम हैं खबर अरस बता की कोई बोले अने एक हरफ अखंड धाम के विषय में लोग ज्यादा कुछ कह ही नहीं पाए इंतहाय नहीं अरश भोम का सब चीजों नहीं सुमार परमधाम की भूमि का कोई पारावार ही नहीं है परम धाम की एक एक सामग्री उनका भी कोई पारावार नहीं है ऊपर तले माहे बाहर दशों दिशा नहीं पारा, ऊपर तले माहे बाहर कहीं भी किसी दसों दिशाओं का कोई पारावारी नहीं है तो भी दुनिया अरश्य देखे नहीं इतना अपार इतना बड़ा विशाल है उसके सामने दुनिया तो कुछ भी नहीं है फिर भी कोई परमधाम को देख नहीं पाता है दुनिया के लोग जो यूं देखा होता बेद कतेब, वेद कतेब में दिखाया भी है तो उनको पढ़ भी लेते हैं किन्तु समझ नहीं पाते पावे न लाम इल्म बिना कोई इन विद का है भेद लाम इल्म उसके बिना लाम इल्म के बिना कोई इन विद का है भेद कोई इस अंतर को समझ नहीं पाता है अब यह लाम इल्म क्या है तो सदगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान तारतम ज्ञान इसके लिए है अब अलफ लाम और मीम तो उसमें वो कहते हैं अभी आजकल तो इस पर विवाद चल रहा है तो मुसलमान लोग कुछ हिंदू दलितों को भटका रहे हैं तो अलफ लाम मीम ये वैसे तो उसके आ ई आ, आ, इस तरह से है तो जैसे आकार है वो वासुदेव के लिए है ऐसे ये सारे अक्षर हैं किसी न किसी तरह से परमात्मा पर अके होते हैं तो अलफ लाम मीम के विषय में भी ये रहस्य तो क़यामत के समय में खुलेगा ऐसा कहा था तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने बताया देखो अलफ़ कहा तो ये रसुल के लिए रसुल कहने का तात्पर्य अभी तक जितने भी पैगंबर आए हैं जितने भी मैसेंजर आए हैं वो कहीं के भी हो तो उनमें से अब वो लोग मुस्तफ़ा बेग को अंतिम पैगंबर मानते हैं जो भी हो जितने भी पैगंबर हुए हैं जितने भी अवतार अथवा तीर्थंकर वगैरह हुए हैं जितना संदेशवाह हुए हैं तो उनके लिए कहा है ओलफ कहने से वो सारे आ गए तो लाम कहने से तो सदगुरु तो जिन्होंने ऐसी कुंजी दे दी कि जिससे सारे धर्म ग्रंथ है उनका रहस्य स्पष्ट हो सकता है और मीम कहते हैं तो वो स्पष्ट करने वाले तो सदगुरु ने ज्ञान दिया स्पष्ट हो सकता है और उन्होंने स्पष्ट करके भी बताया किंतु वो सभी का स्पष्टीकरण करके उसको आगे बढ़ाने वाले उनके लिए मीम का तो उसके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं ये दायित्व तो मुझे दिया है इस प्रकार को कहते हैं और कई हदीस में यह है कि तो इस जगत में परमात्मा का राज्य स्थापित होगा तो तो खुदा का वो स्थापित होगा अथवा तो अल्लाह का राज्य स्थापित होगा तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा होगा तो इन लोगों ने ऐसा माना कि सारे मुसलमानों की सेना उसमें भारत में आक्रमण करेगी और उसका नेतृत्व करेंगे तो उनके खलीफा इमाम महदी तो प्रण्णा जी कहते हैं ये कहाँ कौन खलीफा आएंगे ये तो मैं कर रहा हूँ भाई तो मेरी बात सुनो ऐसा करके उन्होंने ये बताया तो इस तरह से वो अलफलाम और मीम तो अभी ये मुसलमान लोग ये भड़का रहे हैं तो मीम तो अभी आने वाले हैं तो अब भारत में पूरा साम्राज्य इस्लाम का ही करना है तो इसलिए तो इधर जो दलित हैं वो और मुसलमान दोनों इकट्ठे हो जाओ जय भीम और जय मीम इस तरह से तो उनको दोनों इकट्ठे हो जाओ तो फिर अपना काम हो जाएगा इस तरह से वो सोचते हैं उनकी ये गलत सोच है इस प्रकार की तो ये फलाम मीम का ये समझाया कि सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसके वो ज्ञान है उसके बिना ये रहस्य स्पष्ट नहीं हो सकता मोहम्मद ने अरश मोमिन तो अब जिनको ये मोहम्मद कहते हैं तो तो परमात्मा का काम करने वाले सदगुरु हैं यहाँ पर मोहम्मद तो उन्होंने ये सुद दिए समझ दी है और इस समझ से क्या प्राप्त हुआ अरस पाइये मोमिन बिच दिल मोमिनों के दिल में ब्रह्मात्माओं के हृदय में परम धाम है सतगुरु के ज्ञान से ये भी पता चलता है जिन पे इल्म का, दिल अरश रहे हिल तो जिनके जिन जिन पे जिन ब्रह्मात्माओं में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है ऐसे दिल अरस ब्रह्म अरस धाम हृदया तो वो ब्रह्म आत्माएं रहे हिल मिल वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हिल मिल कर रहती है दुनि जाने मोमिन दुनिया से ए नहीं बीच इन खलक दुनिया के लोग समझते हैं कि आत्माएं भी तो सब जैसे तो ही तो है ऐसे ही नश्वर शरीर धारण किया है तो उनमें फर्क क्या है ये नहीं बीच ए नहीं तो है, इन न खलक वास्तव में ब्रह्मात्माए इन दुनिया में से नहीं है एता भी ना समझे पुकारत कलाम हक इतना भी नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे इस प्रकार की बात तो जितने भी सत्य वचन है सत्य शास्त्र हैं उन, शा, उन वचनों में यही बात तो कही है ये कहना चाह रहे हैं कहे मुंह मिन उतरे अरस से इन दिल में हूरत ब्रह्मात्मा परमधाम धाम से अवतरित तो हुए उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अंकित है ए अरस में अरस इन दिल में यो हिल मिल बी चखिल तो ये ब्रह्म मूल रूप से तो परमधाम में ही है और उनका जो ये प्रतिबिंब स्वरूप है इन इसके भी हृदय में परम धाम है तो इस तरह से और ब्रह्मात्माओं के हृदय में परम धाम में बैठी हुई ब्रह्मात्माएं उनके हृदय में भी परम धाम है और ब्रह्मात्माएं भी स्वयं परम धाम में बैठी हुई है इस प्रकार से यो हिल मेला बीच अखिलवत अखिलवत में मूल मिलाव में इस तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हिल मिल करके रह रही है खुली की हकीकत तीन इत ही हक वाहिदत तो इन परमात्माओं के कारण ही इस जगत में तो मुसाफ परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान तो मुसलमान तो कुरान को ही मुसाफ कहते हैं तो जो भी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जहाँ कहीं भी मिले वो सब इसी में आते तीन इत ही हक वाहिदत तो उनके हिसाब से यहीं पर अद, अद्वैत का अनुभव तो ब्रह्मात्माएं नश्वर जगत को देखते देखते भी कर सकती है अर बरकत सब इत ही तो परमधाम की क्षमता है बरकत शक्ति है वो भी ब्रह्मात्माओं के पास में है इत ही हकनिष्वत उनके साथ ही परमात्मा का संबंध है इत ही न्यामत मोमिनो सब खुली जो इशारत है, तो ब्रह्मात्माओं को जो नियामत परम की संपदा है ये ब्रह्मात्माओं तो ये भी तो यही है उनको ही ये सारे के सारे स्पष्ट हो सकते हैं जो भी धर्म ग्रंथ के इशारत का तात्पर्य संकेत ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें जहाँ कहीं भी कही हो परमात्मा संबंधी तो वो सब इन्हीं ब्रह्मात्माओं के माध्यम से स्पष्ट होते हैं इत ही मेला रूहों असल इन्हीं ब्रह्मात्माओं में असली आत्माओं का मिलन है पर परमधाम की आत्माओं का मिलन ये ही इत ही रूह रूहों क्या मत है इन्हीं ब्रह्मात्मा यही ब्रह्मात्माएँ इन्हीं आत्माओं में जागृति आएगी यही जागृत होकर के परमात्मा के चरणों में पहुँचेंगी ये बारीक बातें रूहम मोमिनो हे परमात्मा ये बड़ी ही बारीक सूक्ष्म बातें हैं सो समझे रूहम मोमिन इसको परमात्मा ही समझ सकती सो आदमी का ये हाई वान जो इश्क ईमान बिन तो जो व्यक्ति न जिनमें न तो प्रेम है और नहीं विश्वास श्रद्धा है ऐसे व्यक्ति को ही आ, कुरान हदीस वगैरह में हैवान कहा है तो शरीर तो मनुष्य का है किंतु अंदर जो वृत्ति है वो मनुष्य की नहीं है तो वो पशुता है तो वैदिक धर्म ग्रंथों में भी कहा ही है कि वो पशुता है पशुता को मिटाना चाहिए अवग्न पुरुषम पशुम ऐसा करके कहते हैं वो पशुता को मिटा मारा है तो व्यक्ति को अथवा पशु को ऐसे ऐसे नहीं मारा है पशुता पशु वृत्ति तो मनुष्य में मनुष्य की वृत्ति होनी चाहिए पशु वृत्ति नहीं होनी चाहिए धुनी जाने तन मोमिना बैठे हैं हम आए दुनिया के लोग तो ये समझते हैं ब्रह्मात्माएं भी हमारे जैसे शरीर धारण करके हमारे बीच में ही तो बैठे हैं बोलता है बानी बक्का ए रूहे तन दुनि में ना है बोलते हैं तो अखंड की बात बोलते हैं वास्तव में इन ब्रह्मात्माओं का असली शरीर दुनिया में नहीं है तो दुनिया का तो ऐसे नकली शरीर है इसको वो अपना समझती नहीं है वो तो थोड़ी देर के लिए है रुए तन माहे अरस ब्रह्मात्माओं का, का शरीर है वो तो परम धाम में ही है और अरस्य में बैठे बोल तो मूल रूप से परम धाम में बैठे बैठे ही बोल रही है तो नजीक कहे शहर अगर से इसीलिए परमात्मा प्राण नली से भी उनके निकट है देखो मोविनोहा का एक मत है तो ये परमात्मा के एक मत का तात्पर्य कुशलता उन्होंने परमधाम में बैठे बैठे दुनिया दिखा दी है तो इस बात को तुम समझ लो इनो तना असल अरस में इनो दिल में जो आवत है इन परमात्माओं का असली तन परम धाम में है और इनके हृदय में जो बात आती है सोई इन्हों के आकाश में सुनाई सुकन सोई निकसत तो वही वचन जो परम परमधाम में ब्रह्मात्माएं बात बोलती है तो इनके नश्वर तन में भी उनके अक्ष प्रतिबिंबित उसमें भी सुरता को भी वो बात सुनाई देती है और उनसे वही बातें निकल रही है तो जो बोल रही है ब्रह्मात्माएं वो बोल यथार्थ में तो परम धाम में ही है मोहमी नासल तन असल में अरसमता कछु न छिपत जब ब्रह्मात्माओं का मूल शरीर ही परम धाम में है तो उनकी दृष्टि में तो परम धाम की कोई संपदा बाकी नहीं है तो छिपी हुई नहीं है वो कुछ भी देख सकती है सो बका सूरज फुरमान में कया फजर हो शीत तो इसीलिए फुरमान में बक्का सूरज ऐसा का अखंड सूर्य ये किसके लिए इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए कया फजर उसी तो उन ब्रह्मात्माओं के आगमन से इस दुनिया में भी फज्र होगा प्रभात होगा ऐसा कहा है ये बारीक बातें अरश्य की जो गुजरी माहे मा वाहिरत ये परम धाम की अति सूक्ष्म बातें हैं जो अद्वैत परम धाम में चर्चा विचारणा में परिसंवाद में ये चर्चा हो चुकी है ह हाँ कहादी और मोमिन सो जायर हुई खिलवत तो ब्रह्मात्मा श्रीराज जी श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के बीच में ये बातें हुई है अब अब वो परम धाम मूल में लावा वो भी यहाँ पर स्पष्ट हो गया है मतलब तारतम ज्ञान के माध्यम से ये भी समझ में आ, आने लगा है दुनिया में तो दुनिया होशी हयाती तभी दुनिया अखंड होंगी ले मोमिनो बक्का बरकत तो ब्रह्मात्माओं के ब्रह्मात्माओं को प्राप्त जो अखंड संपदा है उसके माध्यम से ही तो दुनिया अखंड होगी ये बात दुनिया क्यों बूझ ही इस रहस्य को दुनिया के लोग क्या समझेंगे जो जात हक अनिस्वत तो ये ब्रह्मात्मा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अंग स्वरूप है इस बात को कहाँ समझ पाएंगे ए हक मता रूह मोमिन इन ताले लिखी न्यामत हक मतलब मता का तात्पर्य ब्रह्मधाम की जो भी अखंड सामग्री जो भी सामग्री है धाम की तो वो, वो उसमें ये ब्रह्मात्मा ही ये उसमें है अखंड धाम की ही उसमें संपदा है इन ताले लिखी न्यामत इनके भाग्य में ही ये बातें लिखी है तो ये ज्ञान लिखा है ये संपदा लिखी है शो क्यों कर दुनिया समझे तो इस ज्ञान को दुनिया के लोग कैसे समझेंगे कई असल जाके जुलमत जिनका जिन्होंने अपना मूल ही जुलमत शून्य निराकार को मान लिया है वो अखंड की बात कैसे समझेंगे अब हयाती बक्का मिने अब कते परंपरा में हयाति आब ऐसा कहा है हयाति आब का मतलब ऐसा जल जो हमेशा टिका रहा था तो वो दुनिया में नहीं है वो तो परमधाम में झूठी जीमी आवे क्यों करो जिस झूठी जीमी में कैसे आएगा तो यहाँ हयाती आप कहने का तात्पर्य प्रेम उसके लिए दिल आवे अरस मोमिन के और न कोई कादर ये प्रेम तो परमात्माओं के हृदय में ही प्रकट होता है बाकी दुनिया में उस प्रेम को आ, समझने वाला कोई भी सक्षम नहीं है ये मोहरें जो खेल के झूठे खाके नाबूद जो खेल के मोहरें का तात्पर्य जैसे कुछ भी खेलते हैं तो खेल के इंस्ट्रूमेंट है ना जैसे कैरम खोलेंगे खेलेंगे तो उसके वो क्या बोलेंगे गोटी हाँ तो इसी तरह से ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं झूठे खाके नाबूद तो खाक का तात्पर्य तो मिट्टी तो ये पार्थिव देह को लेकर के बैठे हैं और जिसका नाबूद कार था तो जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है झूठा है अब हयादि पिए के और वो अखंड जल को प्रेम उसको पी करके पान करके क्यों हो सी बक्का तो वो अखंड कैसे होंगे तो, तो मिटे जाएंगे ना ये मोहर पैदा जो खेल के जो खेल के ये मोहर हैं तो एक छोटे छोटे साधन है हक मोमिन देखावत परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को यही दिखा रहे हैं देखो ये ऐसे 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 तो खेल रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं यही बराबर अकस मोमिनों के बक्का बोलत है तो ब्रह्मात्माओं का अक्स का तात्पर्य प्रतिबिंब तो वो भी इसके बराबर ही आ, इसके जैसा ही मतलब वो भी खाकी बूती धारण करके बैठे किंतु फर्क क्या है कि ब्रह्मात्माओं ने के द्वारा धारण किया हुआ शरीर वो अखंड की बात करता है और दूसरों से धारण किया हुआ शरीर उसके द्वारा अखंड की बात नहीं होती है जो तना में मोविनो सो मत आकसों पहुँचावत ब्रह्मात्माओं का असली तन परमधाम में है उसी से उनके अक्ष इस को जो भी बातें प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त होता है जो जो प्रेम तो उससे प्राप्त होता है सो आकाशों से बीच दुनिक के मोमिन मेहर करत तो इन्हीं अक्ष प्रतिबिंब स्वरूप सुरता के सुरता और उस उसके धारण किए शरीर के माध्यम से इस दुनिया में तो ब्रह्मात्मा भी कृपा कर रही है दुनिया को मुक्ति देशी ब्रह्मांड को तो ब्रह्मांड को मुक्ति देना चाहती है इसलिए तो वो ऐसा काम कर रही है आवहयाति इन विदा अरस से रूहे लियावत ये शाश्वत जल प्रेम है वो तो ब्रह्मत्मा इस प्रकार परमधाम से लेके आई है ये बरकत रु अल्लाह के यो अर्स मता आया तो ये सारी क्षमता तो ये सारी शक्ति तो पुर, ये सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की है क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पहले उनको ही ज्ञान दिया तो उन्होंने जो कुछ बताया तो दूसरे लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है और बरकत मोहम्मद की साहिद देत दे और दूसरी क्षमता अभी तक जितने भी परमात्मा का संदेश देने वाले महापुरुष हुए हैं तो उन्होंने परमात्मा की ओर से संदेश दे करके अलग अलग धर्म ग्रंथों के माध्यम से कुछ न कुछ समझाया है तीन शाहिद इसे ईमान पहुँचा सकल जहान इसी साक्ष्य के माध्यम से इस दुनिया को कुछ थोड़ा बहुत भी ईमान प्राप्त हुआ है विश्वास प्राप्त हुआ है तो उसके माध्यम से एल जाने रूहे अरस के और नाह खबर तो परमधाम का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को तो ब्रह्म आत्मा ही जान सकती है दूसरों को कुछ भी मालूम नहीं है खेल मोहरे तो कछु है नहीं एक जरे भी बराबर ये खेल के साधन ये दुनिया तो ये कुछ भी नहीं है एक जरा एक छोटे से कर्ण के समान भी नहीं है ब्रह्मात्माओं के समक्ष इसलिए ब्रह्मात्माओं के द्वारा ही दुनिया को परम धाम की बातें प्राप्त तो हुई है बाकी तो अलग अलग अवतारों ने अलग अलग मैसेंजर्स ने संदेश वाहकों ने थोड़ा थोड़ा कहा तो उस बात को कोई समझ नहीं पाए तो ब्रह्मात्माओं के अवतरण से तो अखंड सूर्य का उदय हुआ तो फिर सारे धर्म ग्रंथों का रहस्य स्पष्ट हो गया इस प्रकार से समझाना चाह रहा है तभी तो रखते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय एक जड़े भी बराबर ए कह जरे भी बराबर ए इलम जाने रूहे अरस के ए इलम जाने रूहे अरस के और खबर, खेल मोहरे तो कछु है नहीं, तो नहीं। एक कजरे भी बराबर, ए कजरे भी बराबर